तंजीम पर जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला का कहना है कि अगर निजाम बदल गया तो इस मामले को आज सर नाउ देखा जाएगा। उमर अब्दुल्ला का यह बयान आज बीरवा बडगाम से आया, जहां पर वो आज टाउन हॉल बीरवा के अंदर पार्टी कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे, और खिताब के बाद जब उमर अब्दुल्ला ने मीडिया के नुमाइंदों से बात की तो उन्होंने कहा कि मैं तो इस पे सिर्फ यही कहूंगा कि निजाम बदले तो इस मामले पर दोबारा सोचा जाएगा। एक बड़ा बयान उमर अब्दुल्ला की जानिब से उन टर्मिनेशंस को लेकर जो आज आई हैं या आज से पहले आई हुई हैं उसको लेकर उन्होंने कहा। ताहम उमर अब्दुल्ला ने साथ ही यह भी कहा कि मेरे पास कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर मैं ये कह सकूं कि जिन मुलाजमीन को बरतरफ किया गया उनके खिलाफ लगे इल्जाम दुरुस्त हैं या गलत हैं। यानी उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि मुझे उस बारे में कोई इतलात नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हर किसी को अपनी सफाई देने का मौका मिलना चाहिए है, ये उमर अब्दुल्ला का मुतालबा है। उन्होंने कहा कि कानून भी यही कहता है कि जब तक कि ना आपको गुनाहगार साबित किया जाए तब तक आप बेगुनाह हैं। लेकिन उमर अब्दुल्ला के बकौल बदकिस्मती से यह सिलसिला चला आया है कि बगैर साबित किए मुलाजमीन को नौकरियों से निकालने का सिलसिला शुरू किया गया है। उमर अब्दुल्ला ने बीरवा बडगाम के अंदर जो मीडिया के नुमाइंदों के साथ बात की, उन्होंने उसमें क्या कुछ कहा इन टर्मिनेशंस को लेकर, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। मेरे पास कोई ऐसी जानकारी नहीं है जिसके बुनियाद पर मैं ये कह सकूं कि जो उन लोगों के खिलाफ इल्जाम लगे वो सही लगे या गलत, लेकिन हर किसी को अपनी सफाई देने का पूरा मौका मिलना चाहिए। कानून भी ये कहती है कि जब तक कि ना आपको गुनहगार साबित किया जाए आपको बेगुनाह समझा जाता है, लेकिन बदकिस्मती से ये एक सिलसिला चला है जहां के लोगों को बिना ये साबित किए हुए कि उन्होंने कुछ किया या नहीं किया उनको एक कागजी ऑर्डर के तहत जो है नौकरियों से निकाला जाता है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि निजाम बदले। हालांकि उमर अब्दुल्ला ने बीरवा के इस जलसे में जम्मू कश्मीर सरकार को हद पे तंकीद बनाया बिजली को लेकर। उन्होंने कहा कि बिजली को लेकर इस सरकार ने, तामीर और तरक्की को लेकर इस सरकार ने बड़े दावे तो किए थे, लोगों को बहुत वादे भी किए गए थे, लेकिन जमीनी सूरत हाल आज बिजली को देखकर पता चलता है। ताहम उमर अब्दुल्ला ने मुख्तलिफ पावर प्रोजेक्ट्स की भी बात की है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमने कोई भी पावर प्रोजेक्ट, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कोई भी पावर प्रोजेक्ट नेशनल हाइड्रल प्रोजेक्ट को नहीं दिया है, यानी जो एनएचपीसी है उसको नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि एनएचपीसी हमारी मजबूरी थी क्योंकि उन्होंने यहां पहले ही कुछ प्रोजेक्ट्स मुकम्मल किए थे, लेकिन हमने उस वक्त भी मुतालबा रखा था कि अब जबकि एनएचपीसी ने इन प्रोजेक्टों से काफी कमाई हासिल की है तो इससे जो वो कश्मीर को वापस किया जाए, यानी जो एनएचपीसी की कमाई, बहुत कमाई हुई उमर अब्दुल्ला के बकौल, तो उसके बाद हमने मरकज से मुतालबा किया था कि अब ये पावर प्रोजेक्ट्स जम्मू कश्मीर की आवाम को दिए जाएं ताकि उन्हें इंसाफ मिल सके। उन्होंने कहा कि आज भी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से हम अपील कर रहे हैं कि वो ये पावर प्रोजेक्ट्स वापस करें ताकि इससे दिल और दिल्ली से जो दूरी है वो खत्म हो जाए। ये उमर अब्दुल्ला ने कहा प्रोजेक्ट्स एनएचपीसी को नहीं दिए, एनएचपीसी उस वक्त हमारी मजबूरी थी कि एनएचपीसी ने कुछ प्रोजेक्ट्स यहाँ कंप्लीट किए, लेकिन हमने उस वक्त भी, मैं ये बात अपनी तकरीर में कहना मुझे याद नहीं रहा, हमने उस वक्त भी डिमांड किया था कि अब एनएचपीसी ने हमारे इन प्रोजेक्टों पे बहुत कमाया है, अब वक्त आ गया है ये प्रोजेक्ट्स जम्मू कश्मीर के लोगों को वापस किए जाएं। मैं आज भी वजीर आजम साहब से गुजारिश करता हूँ कि अगर वाकई जिस तरह उन्होंने कहा कि दिल्ली से दूरी और दिल की दूरी वो दूर करना चाहते हैं, तो ये जो एनएचपीसी के पास हमारे प्रोजेक्ट्स हैं इनको फौरी तौर जम्मू कश्मीर के आवाम के हवाले किए जाएं।